subscribe our channel VTV Odia and don't forget to press bell icon. 100 साल की सबसे बड़ी विपत्ति सिर्फ भारत पर नहीं पूरी दुनिया पर आई है, पूरी मानव जात पर आई है। आजीविका पर संकट आया, कोरोना लॉकडाउन के कारण काम धंधे बंद करने पड़े, लेकिन देश ने अपने नागरिकों को भूखा नहीं सोने दिया। दुर्भाग्य से दुनिया के कई देशों के लोगों पर आज संक्रमण के साथ साथ भूखमरी का भी भीषण संकट आ गया है, लेकिन भारत ने संक्रमण की आहट के पहले दिन से ही इस संकट को पहचाना और इस पर काम किया। इसलिए आज दुनिया भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की प्रशंसा हो रही है। बड़े बड़े एक्सपर्ट इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। इस पर 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक यह देश खर्च कर रहा है। मकसद एक ही है, कोई भारत का मेरा भाई बहन, मेरा कोई भारतवासी भूखा न रहे। आज 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल के कोटे के अतिरिक्त हर लाभार्थी को 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिया जा रहा है। यानी इस योजना से पहले की तुलना में राशन कार्ड धारकों को लगभग डबल मात्रा में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये योजना दिवाली तक चलने वाली है। दिवाली तक किसी गरीब को पेट भरने के लिए अपनी जेब से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा। गुजरात में भी लगभग 3.5 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन का लाभ आज मिल रहा है। मैं गुजरात सरकार की इस बात के लिए भी प्रशंसा करूंगा कि उसने देश के दूसरे हिस्सों से अपने यहां काम करने वाले श्रमिकों को भी प्राथमिकता दी। कोरोना लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए लाखों श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिला है। इसमें बहुत सारे ऐसे साथी थे जिनके पास या तो राशन कार्ड था ही नहीं या फिर उनका राशन कार्ड दूसरे राज्यों का था। गुजरात उन राज्यों में है जिसने सबसे पहले वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को लागू किया। वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ गुजरात के लाखों श्रमिक साथियों को हो रहा है।